हेलो स्टूडेंट्स, आई एम नेहा चौहानी योर इंग्लिश टीचर। टुडे वी विल लर्न अबाउट फ्रेजेस, चैप्टर नंबर 10। सो व्हाट आर फ्रेजेस? ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स सेंस बट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट। एक फ्रेज क्या होती है? ये होती है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। इसमें वर्ड्स होते हैं, ये नहीं कि एक ही वर्ड हो, दो तीन वर्ड या कई सारे वर्ड्स हो सकते हैं। तो ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, होती है फ्रेज जो कि सेंस तो देती है, डैट मेक सेंस, बट ये कंप्लीट सेंस नहीं देती है। सेंस तो होता है इसमें, जैसे कि मान लीजिए लिखा है द बार्किंग डॉग, द बार्किंग डॉग्स, तो ये सेंस तो दे रहा है कि भौंकने वाले कुत्ते, लेकिन ये पूरा सेंटेंस तो नहीं है ना, ये पूरा सेंटेंस नहीं है, ये सिर्फ एक पार्ट है सेंटेंस का। जैसे कि हमने लिखा द बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट्स। तो यहाँ पे जैसे ये बार्किंग डॉग्स हो गया, अगर हम इसको ले लें सिर्फ इतने को, तो ये सेंस तो दे रहा है बट ये कंप्लीट सेंटेंस थोड़ी ना है, ये सिर्फ एक ग्रुप ऑफ वर्ड है। अब इसे अगर इसमें जोड़ दिया हमने सेल्डम वाइट में, तब ये पूरा सेंटेंस अब बना ना। तो ऐसे ही फ्रेज क्या होते हैं, वो सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है, वाक्यांश होते हैं, जिनको वाक्यांश बोलते हैं हिंदी में। फ्रेज मीन्स वाक्यांश, ठीक है। और इसका कोई, इसमें कोई सब्जेक्ट नहीं होता, कोई प्रेडिकेट नहीं होता। जैसे कि देखिए द वर्किंग डॉग्स, इसमें डॉग्स ना कि इसमें ना तो सब्जेक्ट है कोई, ना इसमें प्रेडिकेट है ना। तो ये इसमें कोई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होता है, ये सिर्फ एक सेंटेंस का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो आपको ये डेफिनेशन राइट करनी है फ्रेजेस में। ए फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट मेक्स सेंस बट हैज नो सब्जेक्ट एंड नो प्रेडिकेट, ठीक है। ये अब इसमें आते हैं फ्रेजेस के काइंड। तो कितने टाइप की होती है? थ्री टाइप की होती है, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज। जैसे कि इनके नेम से ही पता चल रहा है कि नाउन फ्रेज, तो नाउन के बारे में तो आप जानते ही हैं, नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव्स क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं, ये तो आपको पता ही है। तो इनके नेम के अकॉर्डिंग ही ये होते हैं। जैसे नाउन फ्रेज है तो उसमें एक नाउन होगा, एडजेक्टिव फ्रेज है तो उसमें एक एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव किसकी विशेषता बताता है? नाउन की, है ना। एडवर्ब फ्रेज होगा तो एडवर्ब होगी उसमें, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं नाउन फ्रेज। नाउन फ्रेज, ए नाउन फ्रेज इज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ नाउन। मीन्स नाउन फ्रेज क्या होती है, जो किसका काम करती है, नाउन का काम करती है किसी सेंटेंस में, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 1, डुग्गू एन्जॉयज प्लेइंग क्रिकेट। अब यहाँ पे देखिए प्लेइंग क्रिकेट, तो ये क्या है, प्लेइंग क्रिकेट नाउन फ्रेज हो गई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए क्रिकेट क्या है, ये आप देख रहे हैं कि इसमें नाउन है ना, नाउन जरूर होगा, कोई एडजेक्टिव नहीं है इसमें, ये नाउन फ्रेज है। नेक्स्ट, द मैसून वॉन्टेड टू मेंड द फेंस। तो यहाँ पे टू मेंड द फेंस क्या हो गया, यहाँ पे नाउन फ्रेज हो गई, ठीक है। जो मजदूर था वो क्या चाहता था, दीवार को बनाना चाहता था, है ना। तो दीवार यहाँ पे ये नाउन है ना, फेंस, टू मेंड द फेंस, ये नाउन का काम कर रही है। तो जिस सेंटेंस में फ्रेज नाउन का वर्क करती है वो नाउन फ्रेज होती है, ओके। इसमें हम देखेंगे कि जितने भी फ्रेज होगी वो नाउन का वर्क कर रही होगी, है ना। नेक्स्ट नंबर 2, एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती है? एन एडजेक्टिव फ्रेज इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स डेट डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज। तो एडजेक्टिव फ्रेज क्या होती हैं, जो किसी सेंटेंस में किसका काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं, वो क्या कहलाती हैं, एडजेक्टिव फ्रेज कहलाती हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा आई हैव ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड। तो यहाँ पे देखिए आई हैव ए नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, तो उसकी विशेषता देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है नेकलेस के बारे में। देखिए एडजेक्टिव अगर होगा तो उसके साथ नाउन तो होगी ही, क्योंकि वो नाउन की विशेषता बता रहा है। अब यहाँ पे नेकलेस क्या है, नाउन है, और उसकी विशेषता है क्या, वो गोल्ड का बना हुआ है। ये नेकलेस मेड ऑफ
गोल्ड। देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, यानी इसमें समूह है ग्रुप वर्ड्स का, और इस ये क्या बता रहा है, एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम कर रहा है ये, नेकलेस की विशेषता बता रहा है यहाँ पे गोल्ड। तो ये नेकलेस मेड ऑफ गोल्ड, ये क्या हो गया, एडजेक्टिव फ्रेज हो गई, ठीक है। नेक्स्ट है टप्पू बॉट ए बैट साइंड बाय तेंदुलकर। तो यहाँ पे ए बैट साइंड बाय तेंदुलकर क्या है, यहाँ पे एडजेक्टिव फ्रेज है, जो कि किसकी विशेषता, यहाँ पे देखिए एक बैट है नाउन, जिसकी विशेषता क्या है कि उस पर साइन है किसका, तेंदुलकर का, ठीक है। तो ये होती हैं एडजेक्टिव फ्रेज, जो कि क्या करती हैं किसी सेंटेंस में किसका काम करती हैं, एडजेक्टिव का काम करती हैं, ठीक है, वो एडजेक्टिव फ्रेज होती हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट है एडवर्ब फ्रेज। एडवर्ब फ्रेज क्या होती हैं, एन एडवर्ब फ्रेज इज़ द ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट डज द वर्क ऑफ एन एडवर्ब, जो किसका काम करती हैं, एडवर्ब का काम करती हैं। जैसे कि यहाँ पे देखेंगे द स्मॉल किड राइट्स नीटली, तो यहाँ पे नीटली क्या है, एडवर्ब है, एडवर्ब फ्रेज हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट द गर्ल स्पीक्स इन ए स्वीट मैनर, यहाँ पे इन ए स्वीट मैनर क्या हो गया, एडवर्ब फ्रेज हो गई, ठीक है। तो जैसे कि या फिर हो जाए, जैसे किसी सेंटेंस में लिखा है क्वाइट इजीली, या फिर इन ए गुड मैनर, इस टाइप के जो फ्रेज होते हैं जो कि किसका काम करते हैं, एडवर्ब का काम करते हैं। आपको पता है एडवर्ब क्या है, ठीक है। तो ये सब हो गए आपके फ्रेज एंड उसके काइंड। आपको डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन ऑफ फ्रेज आपको अपनी नोटबुक में राइट करनी है, काइंड्स ऑफ फ्रेज लिखने हैं, नाउन फ्रेज, एडजेक्टिव फ्रेज, एडवर्ब फ्रेज, फिर उसकी डेफिनेशंस लिखनी है, एग्जांपल्स भी करने हैं। ये जो मैंने अंडरलाइन किए आप भी अंडरलाइन करके बताइएगा कि ये कौन सी फ्रेज है, एडजेक्टिव फ्रेज है या एडवर्ब फ्रेज है या फिर नाउन फ्रेज है।